tell you that very interesting thing that he has never come to Lakshya Academy. Just by watching Madhuvisa's video on YouTube channel, he got recommended. I was looking through many videos on YouTube, but I found the Lakshya Academy videos most suitable for me. The videos are very, very useful for me for every stages, not only for screening, for stage 1 and after clearing stage 1, for every process. And that videos is not only for the SSB prospect, and it is also for the life skills. There should be a proper goal and there should be action in each and every TAT stories. There should be a lot of action in each and every stories. So these kind of things I got from that videos only. And not only this, I got ideas also to how to go about and how to write the actions more correctly. So SSB is all about presenting yourself very real, and that I have learned from the videos of the sir, that you can keep yourself truthful from your side. Yes. See, a candidate who can afford to come to this Lakshya Academy is the best option. Okay. I must say this is the best option in Delhi to come to Lakshya Academy, and not only learn the SSB procedure and how to go about it, okay, also learn the life skill, which is very important. I would like to share that earlier it was used to, like, I have given 21 attempts. People used to say me that, bhai, tere bas ki nahi hai, to chhod de. Maine bola, mere bas ki nahi hai, to kya hua? Mere paas 42 saal ki umar to hai, main 42 saal tak dunga. Aur desh ke liye jo bhakti hai, wo kabhi khatam nahi honi chahiye. I feel ki aapne 2-4 attempt kara hai, aur uske baad aap bol rahe ho ki nahi, ye mere bas ki nahi hai, तो शायद आप सही हो. लेकिन अगर जो छोड़ नहीं रहा है इस चीज को और जो इसके पीछे लगा हुआ है, कड़ी मेहनत कर रहा है, डेफिनेटली उसको मिलेगी एक ना एक दिन मंजिल मिलेगी. मेरे को 11 साल में मिली है, आपको भी मिलेगी, जरूर मिलेगी. और आप प्रिपरेशन के साथ जाइए, जब भी जाइए आप एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ जाइए, मैं ये सजेस्ट करूंगा. और सर के वीडियोस के थ्रू और सर के कोचिंग के थ्रू आपको एक अच्छी गाइडेंस मिलेगी, इसकी श्योरिटी है. इस बार डिफरेंट क्या हुआ पिछले 7 अटेम्प्ट में जो नहीं हुआ था? इस बार ये हुआ कि मैंने ये नहीं सोचा कि जो अगर मैं ऐसा उसको आंसर दूंगा तो वो मेरे को सेलेक्ट कर लेगा या नहीं करेगा. इस बार मतलब जैसा मैं हूँ मैंने उसको बोल दिया, ऐसा है सर, इफ यू वांट टू सेलेक्ट मी गुड इनफ, इफ नॉट देन आई लुक फॉर अनदर ऑप्शन. इसी गलती तो यही थी कि जहां मैं मतलब कोई भी टास्क है ना, तो मैं उसको सोचता था कि मतलब GTO सर है या फिर कोई भी है, उसका ध्यान मेरे पे है कि नहीं है, तो मैं उसका ध्यान कैसे खींचूं. लेकिन इस बार नेचुरल और ओरिजिनल जितना बिहेव करता हूँ यहाँ पे दोस्तों के साथ, वैसा बिहेव वहाँ पे किया. घर पे भी काफी मैंने इम्प्रूवमेंट देखी अपने बारे में. जैसे मैं कहूंगा कि घर पे पहले मान ले कि मैं बाहर निकलता था घर से, नहा के निकला तो टॉवल वगैरह फेंक दिया, इधर उधर सब गिना दिया. लेकिन अब काफी वेल अरेंज है, घर वाले भी खुश हैं और बाकी सब भी हैं खुश. कि जैसे बाहर जाता हूँ दोस्तों से बात करने का तरीका होता है, आपके बोलने के तरीके से पता चल जाता है कि आप कैसे सोचते हो, तो चीजों के बारे में कैसे सोचते हो, वो वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो गया इधर आने के बाद. यहाँ पे काफी एक्सरसाइजेस भी की थी, जैसे 5BRCC वगैरह, उसने मेरे को काफी फायदा बचाया. और वो SSB की बात नहीं है, उसके बाद में 3 बार बाहर भी हूँ. लेकिन बात यह है कि मतलब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे मैंने फोकस किया कि हाँ इंप्रूवमेंट हो रही है, और उन एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करता रहा, जिसकी वजह से हो गया रिकमेंड. रियलाइज हुई कॉन्फिडेंस आउट होने का रीजन कि यार मैं ना साइज स्टोरीज में इमेजिन नहीं करी कभी मैंने अपनी लाइफ में, तो बुक्स काफी आती मार्केट में, रटे मार्केट लिख दिए थे मैंने उस टाइम पे, तो मैं कॉन्फिडेंस आउट हो गया काफी. मैंने ना अपने 3-4 साल के लाइफ के इंसिडेंट्स रिकॉल करे थे, जो भी मैंने छोटी छोटी चीज करी लाइफ के अंदर, चाहे मैंने मम्मी की हेल्प किसी चीज में करी हो, नहीं करता तो मैंने रोल पे सुधारा, 3 महीने में सुधारा. अब तो मेरे कंटेंट रेडी करना मेरे लाइफ में, इंसान तो अच्छा बन जाऊँ ये तो बात की बात है. मम्मी पापा को तो खुश होने लग गए कम से कम मेरे से एटलीस्ट, तो मैं अपनी लाइफ में इंसिडेंट्स लिखने लगा, दोस्तों के लिए क्या किया. मैं 3 साल से कॉलेज में बहुत कुछ कर रहा था, पर इनको तो मैसेज में कोई ध्यान ही देता था कि यार तूने इतना कुछ कर रखा है लाइफ में. यार चीज़ पता बेसिक सी समझ में आप ही आई कि तुम लोग को ना मेहनत करनी है सेलेक्ट होने के लिए. जो तुम एक्चुअल बंदे हो ना, सब बंदे में मेरे को लगता है पोटेंशियल होता है, ऑलमोस्ट हर बंदे में होता है, बस मेहनत की जरूरत होती है कि तुम अपनी ही ओरिजिनलिटी को बचाने के लिए वर्क हार्ड करो. तुम एक्चुअल अपनी लाइफ में ना उसको इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है, तुमने अपनी लाइफ में करा है ना बहुत कुछ करा है, तुमने इतने 21-25 साल एज लेके बैठे हो, सबने करा हुआ है. बट अपन उनको एनालाइज करते हैं, दुनिया से पूछते हैं अच्छा मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, अच्छा फिर अब मेरे पेरेंट्स को ओपिनियन मैं क्या लिखूँ, अरे मैं कैसे बताऊँगा, तू अपना सोचना. मेरे पेरेंट्स जो सोचते हैं सोचते तेरे बारे में, कुछ और सोचते हैं तेरे बारे में, पर सोच तो सही, उसे बात तो क्या है. तुम पहले ना अपने पेरेंट्स नेबर दोस्तों भाई बहन से सेलेक्ट हो जाओ, वो तो ले लेंगे. पिछले 3 महीने से मेरे घर वाले इतने खुश रहते हैं ना मेरे से, मैं इतना कुछ करता हूँ. बेसिकली आप यार अपनी लाइफ का रोल प्ले इम्प्रूव करो, हर रोल, मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक बोलने के लिए रोल प्ले कि हम 5 ईयर्स कर रहे हैं, एक्चुअल में अप्लाई करो. और जो भी चीज़ करते हो ना
5-word perception, ये तो तुम्हारी thinking को इतना expand कर देगा, मतलब 5-year sir ने बहुत ही ना सोच समझ के बनाई हुई चीज है, इस चीज को दिल में उतार लो। मैं फर्स्ट डायर में कहा कि यार दम तो इस चीज में है, तुम ये कहते हैं यार ये कर लूंगा, ये तिगड़ा बिठा लूंगा तो हो जाऊंगा, नहीं नहीं 5 years से बिलीव करके देखो। Improved my role play as a son, as brother, as a friend, which gave me inner confidence this time that whatever answers I have to tell to the interview or in what way I have to perform during the SSB, it gave me inner confidence. I was whatever answers or whatever task I performed, I was a good person. Because I have improved as a son, so there I was also a good candidate too. Help my mom, help my father, help my sister, help my parents a lot, and I became a good citizen of a country, helping my neighbors, helping my friends. So all those questions which were there, it became very easy for me to answer. Comparing it with last attempt, I was able to improve myself, I was able to correct myself, and learning from the previous mistakes and failures, I came up with solutions that how can I improve, and I applied them. The lessons which I learned in the academy, then in the SSB, was that we have to first accept the mistakes, whatever we have done in the SSB or in the life, rather in the life, not in the SSB, that whatever mistake we have done, we have to accept that, and then coming out with the solutions to solve it. So it becomes very easy when we are improving in life. Then there is no way that we won't be able to do well in SSB, especially the 5BRCC. It is not a technique that is specifically made for SSB, but it is a technique which broadly covers our life. PGT में क्या होता है, starting में first वाला काफी simple होता है, तो सभी एक दूसरे के ऊपर कि मैं करूँगा. Second third में लोग अटकने लगे, फिर सर ने हमें बेल्चा कंसेप्ट बताया था, आई जस्ट वर्क विद दैट एंड क्विकली मुझे आइडियाज आते जा रहे, मैं लगाता जा रहा हूँ। एंड सिंस 5BRC किया है, रोल प्ले किया है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्यूरियोसिटीज, 5-point परसेप्शन किया है, सब किया है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ऑटोमेटिकली एक स्माइल के साथ सारे आंसर्स दिए एंड ही ऑल्सो स्माइल्ड इन अ वेरी गुड मैनर, तो बहुत अच्छा लगा। SSB का 5-point परसेप्शन होगा काम एंड कंपोज, अगर काम और कंपोज हो you will get number of ideas, confident or you have the power to speak confidently, and practice, bina practice to kuch hoga nahi, so practice and honest hoge to kuch darne ka zarurat nahi hai, sab kuch aapke dimag mein automatically aayega, and you need not to mug up or darne ki zarurat nahi hogi, to ye calm, composed, honest, practice and confident is the 5-point perception of SSB. And if you have all these things, practicing all these things and following 5BRCC, so you will be able to make this time. Thank you very much. आपका अपना ओपिनियन होगा, वो हमेशा यूनिक होगा, कोई आपके जैसा सोच ही नहीं सकता। होगा, हो सकता है हजार में एक बंदा होता है, but that is understood. कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने आज तक एक बुक नहीं पढ़ी जैसे देखी, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा था कि GPE की भी बुक पढ़ रहे थे, ग्रुप प्लानिंग भी कैसे कोई बुक पढ़ सकता है, इवन ग्रुप प्लानिंग छोड़ दो आउटडोर्स की भी बुक पढ़ रहे थे। ब्लैंक स्टोरी सब लोग याद करके जाते हैं, आई गेस मैंने वहीं पे बनाई थी अपनी। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इन इंटरव्यू बिकॉज मुझे पता था मेरे को सिर्फ सच बोलना, अंडर कॉन्फिडेंट वही बंदा होगा जो झूठ बोलेगा, एंड दिस वॉज द सेकेंड लेसन विच आई लर्न्ड। द फर्स्ट वन वॉज नेशन अबव एवरीथिंग, आप देश को कभी किसी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते, देश सबसे ऊपर है, उसके बाद आपकी जो भी आपकी प्रायोरिटीज है जो मर्जी करो, नेशन अबव एवरीथिंग, अगर आप में ये फीलिंग नहीं है तो आई गेस अगर यूनिक है तो क्रिएटिव है, एज सिंपल एज दैट। आप बोलते ना कि मैं क्रिएटिव नहीं हूं, मैं अगर आउट ऑफ बॉक्स नहीं ला पा रहा हूं, आपका जो अपना आइडिया है उससे क्रिएटिव दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो सर को रिकमेंड करूंगा इस पर बुक बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए, और इसका SSB उसके कवर पेज पे बिल्कुल भी नहीं लिखा जाना चाहिए। 95% ऑफ द टास्क यू विल बी एबल टू डू बाय द बेल्चा कांसेप्ट। आपको कोई तरीके याद ही नहीं करने, तरीके आपको याद ही नहीं करने कि अरे ऐसे नॉट बनते हैं, इस तरीके की ये चार तरीके की नॉट्स होती हैं, मैंने सुना ऐसे, मैंने भी कभी देखा नहीं, कोई जरूरत नहीं उन सब चीज़ों की। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन
लेबर वर्क, ही इज इंटरेस्टेड इन आइडिया, पर्सनैलिटी, अपनी लाइफ को एसेंशली वही है ना सर, बोलते हैं कि इवन अगर आपकी फैमिली आपको एक्सेप्ट कर रही है, आपके फ्रेंड्स आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपकी यू नो इवन इफ योर डॉग इज एक्सेप्टिंग यू, एसएसबी विल ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट यू. अगर आप अपनी लाइफ के रोल्स अच्छे प्लानिंग कर रहे हो तो एसएसबी को साइड में रखो यार. अभी आपकी जिंदगी 18 साल 20 साल या कुछ 22 साल 24 साल की भी होंगी, इतनी ज़्यादा जिंदगी चली है आपकी, आपने अपनी जिंदगी किस तरीके से जी, इसको इम्प्रूव करो, एसएसबी अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी. इमेजिन लाइक दिस यार, फील प्राउड कि आप कहीं जा रहे हो, ऐसी जगह पे जा रहे हो दैट वेयर यू विल बी डायरेक्टली सर्विंग द नेशन. ऐसे नहीं है कुछ भी, उसी हिसाब से उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम भी करो. एकेडमी की यही एक अच्छी बात है कि वो कभी भी तुम्हें चेंज नहीं करेंगे, टोटली चेंज नहीं करेंगे, जस्ट जो तुम हो उसी का एक इम्प्रूव्ड वर्जन लेके आएंगे. एंड दैट इज 5-point परसेप्शन से योर माइंड बिकम सो वाइड, सो तो उसकी वजह से तुम्हारी स्टोरीज कभी भी कम नहीं पड़ेगी, ज्यादा हो जाएगी. मेरे स्पेस कम पड़ रहे थे तो मैंने थोड़ी सी हैंडराइटिंग छोटी करनी शुरू कर दी, लेकिन ये नहीं हुआ कि नहीं मेरा छूट गया, ऐसा नहीं हुआ. तो मैंने सर को बिल्कुल बता दिया कि सर आई हैव टेकन कोचिंग फ्रॉम लक्ष्य अकेडमी. और फिर सर ने पूछा कि अच्छा तो क्या सीख लिया वहां पे तुमने, तो मैंने बोला सर वहां पे मैंने ये सीखा कि ट्रूथफुल रहो और किसी और से कुछ भी बोरो मत करो, अपने आप को बस अच्छा रखो. और मैंने सर को समझा दिया कि सर वहां पे मैंने 5BRCC सीखा, मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग सीखी, मैंने अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाया, तो ये सब चीजें मैंने सर को बोल दी. और फिर मैंने समझाया भी कि 5BRCC क्या होता है. और वो सब सुनने के बाद सर कहते ओ वेरी नाइस, आई वुड लाइक टू विजिट दैट प्लेस. तो सर बहुत लक्ष्य अकेडमी की सबसे अच्छी बात लगती है गुरुकुल, मतलब यहाँ पे बच्चे बच्चे एक दूसरे को सिखाते हैं. हम लोग भी जैसे बैठ के कनेक्टिविटी करते थे एक दूसरे के साथ, GDs हम खुद अरेंज करवाते थे. तो ये सबसे अच्छी बात है कि तुम्हें पता चलता है कि तुम कहाँ पे लैक कर रहे हो, कहाँ पे कम हो. I was not pre-prepared about stories. Whatever was clicking to my mind at that the same time, I was writing down my views. Make his interview go well, तो role play सुधारना पड़ेगा. Because role play is very important in life. Role play as a good student, as a good son, as a good brother, and the second thing which I did in interview was कि मैंने सिर्फ सच बोला था पूरे इंटरव्यू में, कोई भी झूठ नहीं बोला. टू इम्प्रूव कैरेक्टर, टू बी अ गुड ह्यूमन, एंड देन ऑटोमेटिकली एसएसबी विल टेक दैट काइंड ऑफ पर्सन इंस्टेड ऑफ जस्ट नोइंग एंड मैनिपुलेटिंग अबाउट एसएसबी एंड जस्ट क्रैमिंग थिंग्स. आई थिंक वी नीड टू परफॉर्म एज नेचुरल एज वी आर, एंड दैट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट. एंड जो सर हमेशा बात करते हैं कि लाइफ में अच्छा बनो एंड देन एसएसबी विल ऑटोमेटिकली टेक यू, सो एसएसबी इज जस्ट अ सबसेट ऑफ लाइफ एंड दैट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट टू नो. एंड आई थिंक लक्ष्य अकेडमी हेल्प मी वेरी मच एंड आई एम थैंकफुल टू कर्नल युधवीर सर टू गिव मी सच गाइडेंस. आई थिंक अदरवाइज आई वुड हैव क्रिएटेड रिकॉर्ड्स इन स्क्रीन आउट एंड दैट दिस गाइडेंस हेल्प मी वेरी मच. गर्व और खुशी होती है उस चीज के लिए कि जब मैं यहाँ से गया तो जितने लोगों के साथ मैं बैठा प्रिपरेशन करता था, मेरा लंबा टाइम नहीं था, 15-20 दिन का था, हर एक बंदे ने मुझे कहा यार तू क्या सीख के आ गया इसे, ये चेंज कैसे आया. और लोगों ने मुझे कहा कि अब की बार जाओ हो जाओ, तो जब कनेक्टिविटी लगी तो मुझे लगा यार ये तो रामायण है, तो हो गया काम. और कनेक्टिविटी के बाद में जैसे ही सर ने मैं डोजियर दिया, उस डोजियर के बाद मेरी स्टोरिया सारी पूरी हो गई. मैं दौड़ के सर के पास गया, सर ने मुझे बुलाया, मैं बोला सर मेरी स्टोरिया पहली बार टाइम के साथ पूरी हुई. और यहाँ आने के बाद सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस. जहाँ फट्टाबल्ली आई वहां एक ही चीज दिमाग लगाई कि यहाँ बेलचा कहाँ लगा है, बात ही. और सबसे बड़ी चीज जो मैंने यहाँ आके सीखी है कि आपका थॉट कैसे बदलता है, कि जब आप हर चीज में इम्प्रूवमेंट करेंगे.